आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। इंदौर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की 2 कार और 3 दोपहिया वाहन भी जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत करीब 21 लाख रुपए बताई जा रही है। अब पुलिस आरोपियों से गिरोह के अन्य सदस्यों और चोरी की अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ करेगी। दरअसल इंदौर की सदर बाजार थाना पुलिस को फरियादी रामपाल सेन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति उनकी कार स्विफ्ट डिजायर को तिलकपत मेन रोड रामबाग के सामने से चुरा कर ले गया। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए वाहन चोरों को पकड़ने के लिए एक टीम बनाई। उस टीम ने अपने मुखबिरों को सक्रिय किया और घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन पुलिस को कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी पॉकेश को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की तो उसने अपने 2 अन्य साथी धीरज और विक्की के साथ वाहन चोरी करना स्वीकार किया। अब मामला दर्ज कर पुलिस इस पूरे मामले में जांच में जुट चुकी है। जैसा कि आपको विदित है कि संपत्ति संबंधी जितने अपराध हो रहे हैं, कमिश्नर पुलिस और एडिशनल सीपी इंदौर सभी के द्वारा स्पष्ट निर्देश है कि इसमें अधिक से अधिक कार्रवाई की जाए। उसी ड्राइव के चलते एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना टीआई सदर बाजार को मिली थी। इनकी एक गाड़ी जो कि किराए पर ले जाने की शोहरत थी कुछ लोगों की, और वो मॉडस ऑपरेंडी यह था कि उन गाड़ियों को किराए पर जब ले जाते थे तो साथ ही उसकी चाबियाँ भी बना लेते थे। इसी तारतम के दौरान 14 तारीख को उनके गाड़ी एक वाहन चोरी हुआ था, जिसमें स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी, वो गाड़ी राजेश बोकाड़े करके हैं जो कि किराए का वाहन चलाते हैं, उनके घर के नीचे खड़ी थी रामबाग रोड पे, जहाँ से वो चोरी हुई। इसके बाद टीम लगातार लगी और काफ़ी डेडिकेशन के साथ में इस को क्रैक किया गया है। जब मेन जो पलकेश है उससे पूछताछ हुई, पूछताछ होने पर उसने अन्य वाहन भी चोरी करना बताया और अपने साथीदारों के नाम भी बताए, जिसमें पलकेश, धीरज और विक्की। पलकेश मूलतः शुक्लिया क्षेत्र का रहने वाला है और जिसमें कि स्वास्थ्य नगर का, धीरज लसुड़िया क्षेत्र का है और विक्की महेश यादव नगर बाणगंगा क्षेत्र का रहने वाला है। इनका आपराधिक रिकॉर्ड जब छांटा गया तो उसमें पूर्व में भी ये वाहन चोरी और इसी तरह के आपराधिक कृत्यों में संलिप्त रहे हैं। पूछताछ करने पर एक तो स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी जो थाना सदर बाजार से चोरी हुई थी, और स्कॉर्पियो गाड़ी जो कि 31 दिसंबर 2021 की रात में इसी मॉडल से अप्रेंटिस के तहत, जिसमें गाड़ी किराए पर ले गए थे और हुंडई शोरूम के पास खड़ी थी और चाबी बना ली गई थी जिससे चोरी की थी, और फिर आगे इनसे पूछताछ की गई तो इनके पास 3 दोपहिया वाहन भी चोरी करना मिले, जिसमें बुलेट और एक्टिवा गाड़ी भी है। यहाँ कि ये लड़के कहाँ पर रहे इस बीच में, क्योंकि हमको एक लास्ट इनकी जो चोरी है 31 दिसंबर की वो पता लगी है। इसके बाद हम लगातार इनका इस ट्रैक रिकॉर्ड है उसको भी खंगाल रहे हैं, किन किन शहरों में रहे हैं, कहाँ कहाँ वारदातें की हैं, और इसमें संभावना है कि आगे और सफल गाड़ियाँ मिल सकती हैं।